नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एटी न्यूज। देखिए, 2024 के चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने जनता से 24 वादे किए हैं और इन 24 वादों में जो कुछ ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट्स है उनमें से सबसे बड़ी चीज है 1 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा किया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे देश के अंदर 30 लाख रिक्तियां हैं, 30 लाख रिक्तियों को भरने के बाद हम लोग 70 लाख नए पद सृजित करेंगे और उन सभी पदों पर बहालियां होंगी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपये कर दिए जाएंगे। तो वहीं पर गरीब महिलाओं के लिए भी तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रत्येक रक्षाबंधन 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को दिया जाएगा। ऐसा कहते हुए तेजस्वी यादव ने आज देश को 24 वादे किए हैं ताकि 2024 के चुनाव में मत जो है वो उनके पक्ष में गिरे। मैं आपको बता दूं कि 2024 के चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियों की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है। कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया और राजद ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया और राजद का मैनिफेस्टो जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने इन सभी वादों को किया है। अब मैं आपको बताऊं कि तेजस्वी यादव के वादों के बाद अब उनके ऊपर हमले होने लगे, उनके वादों को लेकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है जीतन राम मांझी के तरफ से। जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया, ट्वीट करते हुए मजाक बनाया तेजस्वी यादव का। क्या कुछ लिखते हैं ट्वीट करते हुए आपको सुना रहे हैं। जीतन राम मांझी ट्वीट करते हुए लिखते हैं, राजद के घोषणा पत्र में शायद कुछ बातें छूट गई है जो निम्नलिखित हैं। भारत में अमेरिका का विलय करेंगे, सूरज पश्चिम से उगाएंगे, समुद्र के पानी को मीठा बना देंगे, पहाड़ हवा में उड़ा देंगे। अब जब तेजस्वी यादव जी को पता है कि उनकी सरकार बन ही नहीं रही तो वह कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। यानी कि जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के जो मैनिफेस्टो हैं उसका मजाक उड़ाया है और मजाक उड़ाते हुए कहा है कि जब उनको पता है कि सरकार नहीं बनेगी तो कुछ भी बोल देना है। क्योंकि जिस प्रकार से 1 करोड़ सरकारी नौकरी की बात कही जा रही है, इसको लेकर कई लोग हैं जो अंदेशा जता रहे हैं कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी बहुत ही मुश्किल है। और इस चीज़ को लेकर मैनिफेस्टो जारी करने के दरमियान तेजस्वी यादव ने भी चर्चा किया और तेजस्वी यादव ने चर्चा करते हुए बताया था कि जिस प्रकार से मेरे 10 लाख नौकरी को लेकर लोग सवाल उठाते थे कि कहाँ से 10 लाख नौकरी देंगे, कहाँ से पेमेंट होगा, तो मैंने 17 महीने में 5 लाख नौकरी देकर अपने आप को साबित किया है और इस चीज़ के लिए किसी को सोचना नहीं है। हम अपने सरकार आने के बाद 1 करोड़ सरकारी नौकरी सृजित करेंगे। यानी कि तेजस्वी यादव अब इस बात पे अड़े हुए हैं कि 2024 में जब उनका जीत होगा तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी उनके तरफ से दिया जाएगा। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव से सवाल ये भी पूछा गया था कि कहाँ से इसको मैनेज करेंगे, तो इस पर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था कि इसकी चिंता आप लोग ना करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द एजी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।